So hey viewers, welcome back to another video of Road 200 series for class 12th economics. In the previous section, we have started our Indian economy chapter number 1, which is Indian economy on the eve of independence. Now we are continuing with that chapter. अब प्रीवियस सेक्शन में हमने बात करी थी कि हमारी हमारे तीन सेक्टर्स जो मेजरली इम्पैक्टेड थे ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल वर द एग्रीकल्चरल सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड फॉरेन ट्रेड. सो हमने प्रीवियस सेक्शन में एग्रीकल्चरल सेक्टर कंप्लीट कर दिया था. अब वी विल स्टार्ट विथ इंडस्ट्रियल सेक्टर. तो अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल सेक्टर की, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी काफ़ी चेंजेस हुए थे, जैसे डी इंडस्ट्रियलाइजेशन. मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि इंडिया वॉज वेल नोन फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज. तो इंडिया की जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी वो ब्रिटिश के टू फोल्ड मोटिव्स को सर्व करने के लिए बंद कर दी गई थी. अभी मैं वो भी समझाऊंगा. फिर उसके बाद कुछ एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, कि जब हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री डिक्लाइन हुई थी तब कंट्री पर क्या इम्पैक्ट आए थे. फिर बात करेंगे लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री की, कि इंडिया के पास कैपिटल गुड्स ही नहीं है तो मैन्युफैक्चरिंग तो हो ही नहीं रही थी इंडिया में. फिर नेक्स्ट लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, कि पब्लिक सेक्टर का रोल भी कुछ खास नहीं था, मतलब इट वॉज कन्फाइंड टू रेलवेज या फिर पावर जनरेशन जैसी चीज़ों में. फिर लास्ट चीज़ आती है लो लेवल ऑफ GDP, ये भी हम आगे बात करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट विद दिस. द फर्स्ट पॉइंट वॉज डी इंडस्ट्रियलाइजेशन. सो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन रेफर्स टू हमारी कोई इंडस्ट्री को कंप्लीटली चेंज करना या फिर उसको कंप्लीटली क्लोज कर देना. डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल हमारी जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी वॉज डी इंडस्ट्रियलाइज्ड. हमारी जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी उनको डिस्ट्रॉय कर दिया, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया, कंप्लीटली डी इंडस्ट्रियलाइज कर दिया. तो बेसिकली ब्रिटिश रूल ने पूरा का पूरा हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय कर दिया और कोई भी नो न्यू इंडस्ट्री वॉज अलाउड टू सेटअप, वॉज अलाउड टू सेटअप. और इसका मेन रीजन क्या था, टू सर्व देयर टू फोल्ड मोटिव, देयर टू फोल्ड मोटिव. और उनके टू फोल्ड मोटिव थे क्या, अब इनके टू फोल्ड मोटिव थे टू गेट रॉ मटेरियल्स फ्रॉम इंडिया, टू गेट रॉ मटेरियल्स फ्रॉम इंडिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये, टू गेट रॉ मटेरियल्स फ्रॉम इंडिया एट चीपर रेट्स. तो पहला उनका मोटिव था कि रॉ मटेरियल्स इंडिया के सस्ते से सस्ते रेट्स पर ले लो और इंडिया में अपने फिनिश्ड गुड्स बनाकर, मतलब रॉ मटेरियल्स इंडिया से ब्रिटेन में एक्सपोर्ट कर दो और फिनिश्ड गुड्स ब्रिटेन से इंडिया में इंपोर्ट कर हायर प्राइसेस पर बेचो. तो टू सेल फिनिश्ड गुड्स ऑफ ब्रिटेन एट हायर प्राइसेस इन इंडिया, एट हाई प्राइस इन इंडिया. मतलब इनका बेसिकली टू फोल्ड मोटिव क्या था, पहला कि इंडिया से रॉ मटेरियल्स तुम सारे के सारे इंपोर्ट कर लो, जो भी इंडिया रॉ मटेरियल्स उगा रहा है. इंडिया को वैसे ही हमने एग्रीकल्चर में पढ़ा है, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हो गया था, जिसका मतलब द फूड क्रॉप्स वर कन्वर्टेड टू कैश क्रॉप्स, मतलब फूड क्रॉप्स नहीं ग्रो करवा रहे थे, कैश क्रॉप्स ग्रो करवा रहे थे. और ये जो कैश क्रॉप्स थी मेनली कॉटन एंड जूट, और ये सारी की सारी कैश क्रॉप्स एक्सपोर्ट हो जाती थी ब्रिटेन की अपकमिंग इंडस्ट्रीज को ग्रो करने के लिए. और जो ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज में फिनिश्ड गुड्स बनते थे वो वहां से इंपोर्ट कर लिए जाते थे इंडिया में और इंडिया की मार्केट में सेल किए जाते थे एट अ हायर प्राइस. दिस वॉज लीडिंग टू द ड्रेन ऑफ वेल्थ ऑफ इंडिया. ये हम आगे पढ़ेंगे ड्रेन ऑफ वेल्थ ऑफ इंडिया में. So this was the twofold motive of British. Now let us talk about our next point. So our next point was adverse effects of decline of handicraft industry. अब handicraft industry खराब हो गई, तो अगर handicraft industry इंडिया की चली गई, इंडिया का मेन ऑक्यूपेशन क्या था, एग्रीकल्चर, ठीक है, और उसके बाद ये हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री ही मेनली जो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रही थी, तो अगर ये हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री की बात करें तो यहां पर मास अनएम्प्लॉयमेंट हो गया था, मास अनएम्प्लॉयमेंट. जो लोग हैंडीक्राफ्ट की चीजें बनाने में इन्वॉल्व थे वो सारे अनएम्प्लॉयड हो चुके थे अभी, क्योंकि पूरी की पूरी इंडस्ट्री खत्म हो गई थी.
तो मास अनएम्प्लॉयमेंट या फिर बहुत ज़्यादा हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हो गया था, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया था, लोगों की जॉब छूट गई थी जो लोग हैंडीक्राफ्ट में काम करते थे। इसके बाद नेक्स्ट इसका इम्पैक्ट हुआ था कि हमको फिनिश्ड गुड्स जो थे वो इम्पोर्ट करने पड़ रहे थे। इम्पोर्ट्स ऑफ फिनिश्ड गुड्स, फिनिश्ड गुड्स इंक्रीज्ड, और ये इम्पैक्ट कर रहा था इंडिया के सेल्फ सफिशियंसी पर। सेल्फ सफिशियंसी रिड्यूस हो गई, सेल्फ सफिशियंसी ऑफ इंडिया कम हो गई। और मैं हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था कि इंडिया वॉज सेल्फ सफिशियंट इन फूड ग्रेन, सेल्फ रिलायंट इन मैनी आस्पेक्ट्स, और इंडिया काफ़ी ज़्यादा प्रॉस्पेरस इकोनॉमी था, ग्रोइंग इकोनॉमी था। बट ब्रिटिश रूल के आते ही, जैसे ही हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री डिस्ट्रॉय हुई, इंडिया का जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था बिल्कुल ख़राब हो गया, मास अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, और इंडिया को फिनिश्ड गुड्स इम्पोर्ट करने पड़ रहे थे। नेक्स्ट पार्ट इज लो कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ GDP। इससे पहले हम एक पॉइंट पढ़ेंगे, लो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज, बेसिकली लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री की बात करेंगे। लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री था। अब कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री थी नहीं इंडिया में, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री ही नहीं है, तो मशीनें इंडिया में कैसे बनेंगी? इंडिया में मशीन्स मैन्युफैक्चर ही नहीं होती थी, इंडिया में मशीन्स ही नहीं मिलेंगी। अब अगर मशीन नहीं मिलेगी तो मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं हो पाएगा इंडिया में, मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं होता था इंडिया में, किसी भी चीज़ का मैन्युफैक्चर नहीं हो पाता था इंडिया में, क्योंकि इंडिया में मशीन्स ही नहीं थी। कैपिटल गुड्स का क्या मतलब होता है? कैपिटल गुड्स मतलब बेसिकली हमारी इन्वेस्टमेंट, हमारी मशीन्स। अब वो मशीन्स ही नहीं हैं तो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कहाँ से होगी? और मैन्युफैक्चरिंग हो ही नहीं पा रही थी इंडिया में, इसलिए हमारा GDP में कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत कम था। GDP बेसिकली होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इट इज द ग्रॉस मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। ये मैं थोड़ा सा मैक्रो का कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। GDP बेसिकली क्या होता है? जो भी हमारी कंट्री में प्रोडक्शन होती है ड्यूरिंग अ ईयर, वो सारा कुछ GDP में इंक्लूड होता है। तो उस टाइम पर अगर ब्रिटिश रूल के टाइम की बात करें तो हमारी जो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री थी वो थी नहीं, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री उनको सेटअप ही नहीं हुआ होने दिया जाता था। तो अगर कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री सेटअप ही नहीं हो रही तो हमारी कंट्री में मशीन्स नहीं होंगी, मशीन्स नहीं होंगी तो कोई भी रॉ मटेरियल्स का यूज होकर मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी, और क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही थी तो हमारी हमारी कंट्री का ग्रोथ भी नहीं हो पा रहा था। हमारी कंट्री में किसी चीज की प्रोडक्शन ही नहीं हो पा रही थी, प्रोडक्शन नहीं हो पा रही थी हमारी कंट्री में किसी चीज की। नेक्स्ट पॉइंट की जो हम बात करने वाले हैं वो है लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। अब पब्लिक सेक्टर का भी रोल लिमिटेड था। पब्लिक सेक्टर का रोल लिमिटेड होने का मतलब, पब्लिक सेक्टर क्या होता है? गवर्नमेंट सेक्टर। अब गवर्नमेंट सेक्टर का रोल जो था वो इट वॉज कन्फाइंड टू रेलवेज, पावर जनरेशन, पावर जनरेशन। सो गवर्नमेंट रोल वॉज कन्फाइंड टू रेलवेज, पावर जनरेशन एटसेट्रा, या फिर अगर हम और किसी चीज की बात करें आता है कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन, पोर्ट्स एट्सेट्रा। सिर्फ इन चीज़ों में गवर्नमेंट का रोल कन्फाइंड था। तो अगर इन्हीं जगहों पर गवर्नमेंट का रोल कन्फाइंड था, दिस वॉज द मेजर रीजन, एक मेजर रीजन था जहां पर गवर्नमेंट के रोल की काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी, वहां पर गवर्नमेंट को आने ही नहीं दिया जा रहा था। तो दिस वॉज द मेजर रीजन, और यू कैन से ड्रॉबैक, ड्रॉबैक फॉर द इंडस्ट्रियल सेक्टर, फॉर द इंडस्ट्रियल सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था कोई भी कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री का ना होना। तो हमने इसमें बस मैं एक छोटा सा ब्रीफ बता देता हूँ। पहली बात, इंडिया का इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसे इंपैक्ट हो रहा था? हमारी जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी वो डी इंडस्ट्रियलाइज, डिक्लाइन हो गई थी, वो खत्म हो चुकी थी। अब हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज अगर खत्म हो जाएंगी तो इसका एडवर्स इंपैक्ट क्या होगा? हमारी पॉपुलेशन में अनएम्प्लॉयमेंट आ जाएगी। हमारी ऑलरेडी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी उस टाइम पर भी, तो वहाँ पर मास अनएम्प्लॉयमेंट हो गया था, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया था, और साथ ही साथ हमें फिनिश्ड गुड्स को इम्पोर्ट करना पड़ रहा था, तो ये भी एक ड्रॉबैक था। फिर उसके बाद हमारी कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री ही नहीं थी हमारी कंट्री में कोई, ना ही सेटअप होने दिए जा रही थी बाय द ब्रिटिश। तो अगर कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री नहीं होगी, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री वो वाली इंडस्ट्रीज होती है जो कोई मशीन टूल्स वगैरह बनाती है जो फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प करती है। तो अगर मशीन्स ही नहीं बनेंगी तो फर्दर मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी, फर्दर मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी तो प्रोडक्शन नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होगी तो GDP कम हो जाएगा, तो GDP का लेवल भी कम हो गया।
और फिर लास्ट पॉइंट हमने पढ़ा लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर. पब्लिक सेक्टर का रोल वॉज कन्फाइंड टू सम रीजन्स, जो कि रेलवेज या फिर थोड़े से पावर जनरेशन, कम्युनिकेशन, पोर्ट्स, इन सब चीज़ों में कन्फाइंड था. और इस वजह से ये भी एक मेजर ड्रॉबैक था हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर को ग्रो ना होने की.